जय माता दी गोवर्धन पूजा जो कि कार्तिक के महीने में दीपावली के बाद आती है और भगवान कृष्ण यानी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन गाय के गोबर से ये बनाए जाते हैं और ये मिट्टी का जो करवा होता है उसमें कलावा बांधा जाता है, ये पूर्वे रखे जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जैसे मैं आपको प्रतिमा दिखा रहे हैं इस तरह से बनाकर इन पर हल्दी और वाइट अक्षत्र जो होते हैं उनके वो बनाए जाते हैं चावल के आटे से और यहाँ पर जो पूर्वे होते हैं उन पर रोली से जो स्वास्तिक बनाया जाता है उनको खाली नहीं छोड़ते, इसमें मोली बांधी जाती है और इस तरीके से हम पूरी तैयारी करते हैं अपने घर पे जो साफ सुथरी जगह पर भगवान कृष्ण की यानी भगवान विष्णु के लिए ये बनाते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। जानेंगे 1 या 2 नवंबर कब है गोवर्धन पूजा, इसकी सही तारीख बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि और कथा के साथ ये कब मनाया जाएगा, क्योंकि दीपावली को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं दीपावली का पूजन किस दिन है। यही साथ बात करेंगे गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त की। 5 दिन की दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और अर्चना आराधना की जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है और इसमें करने का बड़ा ही विधि विधान के साथ की जाती है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है। कुछ शहरों में कुछ गाँव में जो कढ़ी और चावल होते हैं पूड़ो और पूड़ी का भोग लगाया जाता है, कुछ लोग मीठी पूड़ी का भोग लगाते हैं। हर जगह पर अलग अलग मान्यता है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा के दिन हर घर के गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाती है। इस बार दीपावली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो आइए जानते हैं, वीडियो को स्क्रिप मत करना, सही तारीख और गोवर्धन पूजा का महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त की कब करनी चाहिए, किस तरह से गोवर्धन महाराज को प्रतिमा बनाकर उनको जो कोड़ी होती है वो लगाकर हल्दी लगाकर कुमकुम लगाकर उनके गले में जनेऊ पहनाकर पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। अब जानेंगे गोवर्धन पूजा का शुभ महत्व। गोवर्धन पूजा का जो पर्व है 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इस तिथि गोवर्धन पूजा का महत्व जो शाम 6:30 से लेकर 8:45 का होगा। गोवर्धन पूजा के लिए आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा और इसमें भोग जो मैं आपको विशेष बताने जा रही हूं आप सुन लीजिए दोस्तों। गोवर्धन पूजा के दिन अत्रकूट बनाया जाता है, उसी का भोग लगाया जाता है, बेसन के देसी घी के लड्डू का भोग लगाया जाता है, मीठी पूरी का भोग लगाया जाता है। अत्रकूट के साथ भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग का भी प्रसाद बनाया जाता है। अगर आप 56 भोग बनाते हो अच्छे कढ़ी चावल बनाते जैसे जिसके यहाँ पर विधि विधान होता है उसी तरीके से आप कर सकते हैं। जो पूर्वे होते हैं इनको खाली नहीं रखते, इसमें अक्षत्र यानी चावल जो अनाज होता है वो रखते हैं और आप मीठे से कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं, जैसे मैंने बेसन के, जहां जहां जैसी मान्यता उस हिसाब से कर सकते हैं। गोवर्धन पूजन विधि जानेंगे। गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान में ध्यान करके भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही दोपहर के समय घर के आंगन में गोबर महाराज की प्रतिमा बनाते हैं। गोबर धन महाराज के साथ साथ गाय बछड़े यवराज आदि की प्रतिमा भी बनाई जाती है और गांव में जो पशु होते हैं या गाय होती है उनकी प्रतिमा भी बनाई जाती है। इसके बाद प्रतिमा को फूल व खील से सजाया जाता है, फिर यह शुभ मुहूर्त में एक अग्यारी की जाती है, कंडा किया जाता है, उस पर घी चढ़ाया जाता है और गोवर्धन महाराज के साथ गाय गोपी आदि की रोली अक्षत और चंदन लगाते, बीच बीच में पूरे परिवार के साथ गोवर्धन पूजा के जयकारे लगाए जाते हैं और साथ भजन भी गाते हैं। इसके बाद फिर दूध पान खील बतासे अत्रकूट आदि चीजों से भोग करके पूरा परिवार पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा भी की जाती है, उनको अर्पित करते हैं और इसके बाद ही दीपक जलाकर आरती करते हैं और गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाते हैं। इसके बाद घरों में बड़ों का आशीर्वाद भी देते हैं और कहते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है इस पूजा को। अब बात करते हैं गोवर्धन महाराज की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि को ब्रज से पहले देवराज इंद्र की पूजा हुई थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। भगवान कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। कहते हैं जब जानकी देवराज इंद्र को मिली थी तो उन्होंने अपने घमंड में आकर पूरे ब्रज में तूफान और बारिश कहर बनाया था, इसीलिए धीरे धीरे हर चीज जल मंगल हो रही थी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासी की रक्षा की और इसी के साथ इंद्र
के घमंड को भी तोड़ा था। चारों तरफ इस अस्त्र व्यस्त होने की वजह से ही सभी सब्जियों को लेकर अन्नकूट की पूजा की जाती है।